तो ये बात तो सबको पता है कि विंडोज डिफेंडर विंडोज 10 के साथ आने वाला एंटीवायरस है और जो कि इंस्टॉलेशन के बाद से आपको सिक्योरिटी देना प्रोवाइड कर देता है। लेकिन स्टिल बहुत से लोगों के दिमाग में अभी भी ये सवाल है, क्या विंडोज डिफेंडर इतना अच्छा एंटीवायरस है? तो शॉर्ट में इसका आंसर है यस, लेकिन इसमें भी इसके कुछ फ्लॉज हैं और वो क्या है ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। विंडोज डिफेंडर को डिजाइन किया गया था कंप्यूटर्स को मैलवेयर और वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए और इनिशियली इसको अवेलेबल कराया गया था विंडोज एक्सपी 7 विस्टा में एज ए फ्री एंटी स्पायरल टूल के नाम से। उसके बाद इसको फुल फ्लेजी एंटीवायरस प्रोग्राम में डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स को रिप्लेस करने के लिए विंडोज 8 और उसके हायर वर्जन्स के लिए। वैसे विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट स्पायनेट के सपोर्ट को भी इंटीग्रेट किया गया था और अगर आप किसी मैलवेयर को अगर सस्पेक्ट करते हैं तो स्पायनेट की वजह से आप उसको वापस से रिपोर्ट बैक कर सकते थे। विंडोज डिफेंडर को विंडोज 8 के साथ इंटीग्रेट किया गया था और जो कि काफी ज्यादा सिमिलर था माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स से। विंडोज डिफेंडर 2006 से एग्जिस्ट कर रहा है बट इसकी जो बिगनिंग है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुई थी क्योंकि अर्ली ईयर्स में विंडोज के काफी सारे कंप्यूटर्स के क्रैश होने की रिपोर्ट आई थी स्पेशली जब अपडेट्स को रन कर रहे थे और विंडोज के ओएस में ही कुछ ऐसे फ्लॉज थे जिस वजह से ये क्रैश बार बार हो रहा था और विंडोज की इस अपडेट की वजह से डिफेंडर भी क्रैश होने लगा जिस वजह से कंप्यूटर्स मैलवेयर थ्रेट्स के और ज्यादा रिस्क में आ गए थे और जिसका रिजल्ट निकला लोगों ने विंडोज डिफेंडर पे रिलाय होना ही छोड़ दिया और जो कोई प्रीमियम एंटीवायरस को अफोर्ड नहीं कर सकता था उन्होंने स्विच किया थर्ड पार्टी फ्री एंटीवायरस टूल्स पर। बात करें अगर अभी की तो रिसेंट टाइम्स में अभी साइबर अटैक्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं। आप चाहे इंडिविजुअल हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, इन साइबर अटैक्स की वजह से लोगों की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा लॉस हो रही है और कुछ खास केसेस में तो लोगों के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी करप्ट हो रहे हैं। अब चाहे आपने इनमें से किसी भी तरह के थ्रेट्स को फेस किया हो या नहीं बट ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कंप्यूटर को हमेशा एंटीवायरस से प्रोटेक्ट करके रखें। विंडोज डिफेंडर प्रोग्राम प्रॉमिस करता है रियल टाइम प्रोटेक्शन वायरस मैलवेयर ईमेल वेब और क्लाउड के अगेंस्ट। वेल इतने सारे क्लेम्स के बाद भी लोग आज भी ये कुछ सवाल हैं जो लोग पूछते हैं, क्या विंडोज डिफेंडर पीसी को स्लो किए बिना थ्रेट्स को डिटेक्ट कर सकता है? क्या ये मॉडर्न डे के कॉम्प्लिकेटेड स्पायवेयर और रैंसमवेयर को हैंडल कर सकता है? क्या डिफेंडर के अलावा हमको किसी और एंटीवायरस की जरूरत है और इसमें एक्चुअली कमी क्या है? वेल ये सारे क्वेश्चंस वैलिड हैं। माइक्रोसॉफ्ट वायरस से आने वाली थ्रेट्स को समझता है इसलिए हर विंडोज कंप्यूटर में जो डिफेंडर है प्री इंस्टॉल्ड आता है ताकि ये एप्लीकेशन आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके स्पायवेयर मैलवेयर वायरस जैसी थ्रेट्स से। वैसे रिसेंट टाइम में इसके अंदर ढेर सारे इंप्रूवमेंट्स भी हुए हैं बट इसको एज ए स्टैंड अलोन एंटीवायरस की तरह यूज आप नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं होता है इसलिए आने वाली लेटेस्ट मैलवेयर के अगेंस्ट ये आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। इसलिए रिकमेंडेशन है कि आप डिफेंडर को किसी और थर्ड पार्टी एंटीवायरस के साथ ही यूज करें। वेल उसके बाद अभी 2020 तक ये इतना ज्यादा तो अपडेट हो चुका है कि आपको नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके क्योंकि इसमें अब आपको मिलती है रियल टाइम प्रोटेक्शन मैलवेयर प्रोटेक्शन बिहेवियर मॉनिटर रेगुलर अपडेट क्लाउड प्रोटेक्शन पैनेंटल कंट्रोल रिसोर्स मैनेजमेंट एंटी स्पायवेयर टेक्नोलॉजी कंट्रोल फोल्डर एक्सेस ऐप ब्राउजर कंट्रोल फायरवॉल पासवर्ड प्रोटेक्शन और फ्रेंडली यूजर इंटरफेस। और जिन चीजों की इसमें कमी है वो बची है वेब प्रोटेक्शन पासवर्ड मैनेजमेंट और क्लाउड बैकअप। तो इसलिए ये रिकमेंडेशन है कि आप विंडोज डिफेंडर को किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ ही यूज करें, एक से भले दो। वैसे कुछ फ्री थर्ड पार्टी एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं जिसमें है कैस्पर्स की सिक्योरिटी क्लाउड टोटल एवी बिट डिफेंडर अवीरा और मैलवेयर बाइट्स। सो बातें हैं कंक्लूजन पर, अगर आप टॉप नॉच और सिंपल सा एंटीवायरस ढूंढ रहे हैं तो विंडोज डिफेंडर उसका आंसर है। आपको इसको इंस्टॉल करने में भी प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि ये ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आता है और इसके होने से आपके कुछ पैसे भी बच जाएंगे क्योंकि ये फ्री है प्लस इसको यूज करना भी काफी कन्वीनियंट है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप थर्ड पार्टी एंटीवायरस को भी यूज कर सकते हैं अगर आप डिफेंडर पे अकेले रिलाय नहीं होना चाहते हैं तो। वैसे फ्री एंटीवायरस से भी आपको 100% प्रोटेक्शन तो नहीं मिलेगी और अगर आप इनको अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप नॉर्टन 360 जैसे बजट फ्रेंडली एंटीवायरस को बाय कर सकते हैं। सो आई होप अब आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर हो गया हो विंडोज डिफेंडर को लेकर। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स में मुझे एक चीज बताइए आप कौन सा एंटीवायरस यूज करते हैं या फिर आप सिर्फ डिफेंडर को ही यूज करते हैं। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।